जी। हाय, ये बिल्कुल वो वाला स्टार्ट है जो थर्ड बेल से पहले लाइट रूम में बैठे हैं और चुपचाप वेट कर रहे हैं कि थर्ड बेल हो और प्ले शुरू करे। वैसे कुछ अभी हो रहा है, वैसे चाय वाय और रंगमंच। चाय मतलब चाय जो है ना, वो शो से थोड़ा पहले एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए, और वो रिहर्सल स्टार्ट होने से पहले एक चाय मिल जाए, मतलब वो जो मज़ा है चाय का। एनीवे, लेट्स बिगिन। ये बीच में कॉल, इनको मैं कैसे बंद कर दूँ, एक सेकेंड। Are we on, guys? I'm back again. Hi, Dinesh. तो मैं बात कर रहा था कि वो जो थर्ड बेल बजती है ना, तो उससे पहले वो चाय की ज़रूरत पड़ती है, और वो गर्मा गर्म चाय, और वो अंधेरा जिसमें हम बैठे होते हैं, छोटी सी लाइट जल रही होती है डिमर बोर्ड के ऊपर, और वो डिमर बोर्ड के साथ में हमारा जो प्री सेट है, जो स्टेज पर हमें दिख रहा है और जो हमें ऑडियंस देख रही है, आज मैं उसी डार्कनेस टू लाइटनेस की बात करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए थिएटर करना या फिल्म लाइन में आना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज माय डैड वाज अ डायरेक्टर, और जब स्कूल में था तब शूटिंग अटेंड करते थे, और जब एसएससी पास कर ली तो उनकी लास्ट फिल्म थी लेडीज टेलर, उसमें मैं असिस्ट कर रहा था, एंड आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज माई डैड ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं खूब घूमूँ, दुनिया में इधर उधर हिंदुस्तान देखूँ। और ऐसे ही मैं एक बार अपने अंकल से मिलने गया था सहारनपुर। सहारनपुर में उनके एक कंपाउंडर थे, और उनके कंपाउंडर के लड़के की शादी थी, तो हम लोग वहाँ से करीब 4 घंटे का एक रास्ता था जिसको हम तय करके उनके गांव पहुँचे। जब हम गांव पहुँचे और वो कुछ 3 दिन का कुछ उनका वो था, वहाँ हम रुके, और वो दिन शाम को उन्होंने कहा कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। अब उनको ये तो मान था कि हम फिल्म वाले हैं और मैं फिल्म से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। वो मुझे एक जगह ले गए, देयर वाज अ स्मॉल हाउस, खेत थे आसपास, और मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मैंने कि कुछ लोग जमा हैं, और एक स्टेज नुमा एक चबूतरा बनाया हुआ है, वो कुछ 10x8 का एक प्लेटफॉर्म था, जिसको बिल्कुल गोबर से लेप कर एकदम अच्छा बनाकर, और उसके 4 डंडे गाड़े हुए थे, और उसको छत लगाई हुई थी, पीछे उसका बैकड्रॉप था, और वहाँ वो जो शख्स था वो कुछ 65 साल का होगा, 60-65 साल का, तो पता चला कि वो परफॉर्म करता है, और वो कई सालों से परफॉर्म करता है, और ये जो स्टेज उसने बनाया था ये उसे खुद का बनाया हुआ स्टेज था। अब हम लोग बैठे, उसने अपना परफॉर्मेंस शुरू करी, और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक काम किया। अगर आप लोगों को याद होगा कि उस ज़माने में वो लैंटर्न्स मिलते थे हम लोगों को, तो वो लैंटर्न जो थे उसने साइड्स में 2 लगा रखे थे, 2 उसने टॉप पे लगा रखे थे, और 2 उसने नीचे फ्लोर पे हल्की सी हाइट दे के, 1-1 फीट की हाइट पे 2 बॉक्स लगा के उस पर लैंटर्न लगा रखे थे। अब वो इतना खूबसूरत लिटअप था, वो इतना नेचुरल लिटअप था वो, क्योंकि जनरली अमूमन क्या होता है, फोक थिएटर के 2 लाइटें सामने से लगा देते हैं और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे ये कमाल था कि ही केप्ट हिज साइड लाइट्स आल्सो, ही केप्ट अ फ्रंट लाइट टॉप आल्सो, एंड ही केप्ट हिज बेस लाइट आल्सो, और उसकी वजह से ही हैड लिट अप दैट प्लेस वेरी वेल। अब वो परफॉर्म करता था, और उसने उसका क्या था, वो खुद ही लिखता था और वो खुद ही परफॉर्म करता था, उसके साथ 2 लड़के होते थे, वो गाना भी गाता था, वो नरेशन भी करता था, वो सारी चीज़ें करता था। वो ख़त्म हुआ, बड़ा मज़ेदार था, बिकॉज इट वॉज ऑल फनी टॉपिकल, वो गांव के लोगों की बात करे, किसी की मजाक उड़ाए, वो ऐसे सब चल रहा था। वो ख़त्म हो गया, और हम लोग बगल में फिर एक घर में उन्होंने कुछ इंतज़ाम कर रखा था, तो हम सब वहाँ गए। जब हम शाम को निकलने लगे रात को, तो मैं देखा कि वो स्टेज के ऊपर बीच प्लेटफॉर्म पे उसने एक लाइट लगा रखी है, वो एक उसने दिया लैम्प लगा रखा है, उसको कवर करके रखा हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये इसने कहाँ, ये क्यों इसने लाइट लगा रखी है, सब परफॉर्मेंस तो हो गया। दूसरे दिन वो शख्स आए,
शादी की वो रिसेप्शन के लिए, तो मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका बढ़िया काम था, ये वो सब बातें हुई। फिर मैंने कहा कि आपने स्टेज पे बीच में एक वो लैंप लगा रखा था, वो क्यों लगा रखा था आपने? तो बोले कि क्या है, ये वो जगह है जहाँ से मैं लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें, मैं दुनिया की चीज़ें लाता हूँ, लोगों तक प्रेजेंट करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, और ये मेरी अपनी शिक्षा की जगह है जिसमें मैं कुछ सीखता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ। तो जब ऐसी जहाँ विद्या हो, जहाँ एक परफॉर्मेंस हो, उस जगह को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। एंड दैट वॉज द प्री सेट दैट आई रियलाइज दैट स्टेड विद मी, दैट कॉन्सेप्ट of why a stage is alive all the time is was the start of that particular day in 1982. उसके बाद मैं फिर गोवा गया। गोवा में भी मैंने देखा वहाँ पे एक प्ले होता है जात्रा। वो जात्रा में क्या है कि वही उनका एक बैकड्रॉप लगा होता है और उसमें एक फैमिली ड्रामा चल रहा होता है, एक लाइव बैंड चल रहा होता है और एक कॉमेडियन होता है। शो शुरू होने से पहले वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक लाइट ऑन छोड़ देते हैं स्टेज पे, और तैयारी चल रही होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब हो रहा है, सब चल रहा है, एंड देन द प्ले स्टार्ट्स। एंड द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई स्टेड बैक एंड आई रियलाइज दैट दे डिड द सेम थिंग। जब उन्होंने थिएटर बंद किया तो इन्होंने एक लाइट ऑन छोड़ दी स्टेज पे। तब मुझे लगा कि यार ये कुछ कनेक्शन, मतलब हर थिएटर का या थिएटर को अलाइव रखने का ये एक तरीका है। और उसके बाद बॉम्बे में जब मैंने करना शुरू किया, उससे पहले मैं अमेच्योर में कर रहा था, कभी रेलवेज के लिए करता, कभी कॉलेज के लिए करता, जिस कॉलेज में बुला लेते उस कॉलेज में जाके मैं लाइट्स करता और उन लोगों के साथ रहता। 85 से जब मैंने प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, देन आई विजिटेड व्हेन दीज थिएटर्स, सोफाया, भाईदास। भाईदास में भी मैंने सेम चीज़ देखी। भाईदास में भी शो ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे एक टेक्नीशियन था, उसका नाम शायद शंकर था या कृष्णा था। तो प्ले ख़त्म हो गया, प्ले ख़त्म हुआ और स्टेज पे एक उसने लैम्प पोस्ट जैसी एक चीज़ लाई, उसने ला के लगा दी सेंटर ऑफ द स्टेज और उसको लाइट ऑन की और बाकी सारे लाइटें ऑफ करके वो हम लोग निकल गए वहाँ से। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा क्यों लाइट ऑन छोड़ा? बोला सर स्टेज को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट एनीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ वी डू लीव अ लाइट ऑन। एक लाइट हमेशा ऑन रहती है और मेरे ख्याल से हम सब थिएटर वालों की एक लाइट हमेशा ऑन है, क्योंकि हम लोग जब भी शो ख़त्म करते हैं हम दूसरे शो की तैयारी करते हैं, हम रिहर्सल्स करते हैं और हम उस तरफ जाते हैं। तो प्री सेट और स्टेज का बेसिकली डार्क में ना रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे उस वक्त समझ में आई। मैं थिएटर करने लगा, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ओम कटारे। I worked with him for a couple of years, then I did join Nadira Babbar, Nadira ji, जिनको हम बाजी कहते हैं, उनके साथ किया। मगर I was not happy, मैं कर रहा था, मैंने काफ़ी सारे shows किए थे, मैं बाहर भी बहुत सारा काम कर रहा था, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं was thinking क्या what am I missing? क्योंकि सबसे बड़ा problem ये हो रहा था कि सारे लोग जो play कर रहे थे वो वाले plays थे जो हो चुके थे। जैसे नादा जी के यहाँ पे जो को भी प्लेस वो कर रहे थे वो प्लेस कर रहे थे जो उन्होंने NSD में किए थे। बट द सेम टाइम मैंने इनका प्ले देखा था सुरनई का, मिस्टर के रैना, जिनको हम के भाई बोलते हैं, और इला जी का ग्रुप है सुरनई। मैं जब उनका प्ले देखा मैंने और जब उनके मैंने एक दो और प्लेस देखे तो मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया करते ही है। एंड लकीली फॉर मी इन 1990 I got a chance to work with Ila ji for her live shows and musical shows and stuff like that. Main wo karne laga, I started enjoying that. And KK bhai then said, ki, I'm doing a new play called Jamila bhai Kalali. To wo tum karo. Till then, Vijay Kashyap, hamare senior most NSDK, well-trained actors, everybody know him. He used to do all the stuff, light and sets. So I started doing it, and that gave me another chapter. It added another chapter to my life. वहाँ जाकर मुझे नई चीज़ें करने का मौका मिला, वहाँ जाकर मुझे नई एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिला, नए तरह के प्लेस करने का मौका मिला,
और डिज़ाइंस को नए ढंग से करने का मौका मिला। मुझे याद है कि आज मुझे पता नहीं कितना लोग करते हैं या नहीं करते, बट उस वक्त में हम लोग जैसे मैं धर्मसिंह भाई धर्मसिंह मर्चेंट जो कि उनके बेटे अभी लाइट सप्लाई करते हैं, वेंडर हैं, तो उनके साथ में जुड़ा रहा, तो वो बोलते थे कि सलीम कोई भी चीज़ करना हो या लाइट डिज़ाइन कर रहे हो या कोई कुछ भी कर रहे हो, दैट मेक श्योर दैट देर इज़ समथिंग दैट यू क्रिएट ऑन स्टेज, सम मैजिक, समथिंग दैट यू कैन क्रिएट। एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग फोर लाइट्स हेयर और नॉट दैट। स्क्रिप्ट पढ़ना, उसमें नया क्या हो सकता है, नई क्या चीज़ आ सकती है, ये खोजना। एंड विच इज़ द रीज़न वाई आई रिमेंबर एक प्ले था गैसलाइट, संजना के ग्रैंडफादर जेफरी कैंडल आए थे तो वो करना चाहते थे, तो उसमें संजना थी, उसमें कृष्णा थे और उसमें जैसन डिकुना, ये सब लोग एक्टिंग कर रहे थे और मैं उसमें लाइट्स कर रहा था। लाइट्स करने में उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि उसमें एक फायर प्लेस था। अब उस फायर प्लेस को अलाइव रखने के लिए, और चूंकि वो पूरा प्ले उस गैसलाइट पर था जो फायर प्लेस के ऊपर था, तो हमने क्या किया कि हमने 200 वाट के बल्ब लिए, मैंने उसके बीच में हम स्टार्टर्स लगाया, स्टार्टर्स लगा के उनको हमने एक चार बल्ब को एक छोटा सा वो तसला होता है उसमें हमने डाला, उस पर शीट डाली, उसमें कोयला डाला, कलर पेपर डाले और उसको ऑन किया। अब वो क्या होता था कि वो चूंकि 200 वाट का बल्ब था, तो वो 200 वाट का बल्ब जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो क्या करे कि वो पेपर को और हल्का सा वो जलाए, जब वो जलता था तो उसमें से धुआं निकलता था और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, बिकॉज लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि धुआं कहाँ से निकलता है। एंड स्पेशली वो तब होता था जब कमरे की लाइटें डाउन होती थी और वो बड़ा सस्पेंस मोमेंट होता था। द प्रोटैगनिस्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस एंड देयर एवरीबडी इज फोकस्ड काइंड ऑफ दैट एरिया एंड सडनली यू रियलाइज दैट द स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट फायर प्लेस। इसी तरह से जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग अदर शोज, देर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले विच इलाजी डिड, एक प्ले था गूंज, और गूंज में हम लोगों ने क्या किया कि दैट वॉज द स्टोरी वॉज अबाउट अ ग्रैंड फादर एंड द डॉटर, ग्रैंड डॉटर जो जो बहुत सपने देखती है और चाहती है कि वो कहीं जाके ना गाने गाए, बड़ी स्टार बने, इस तरह का। तो देर वॉज ऑल फैंटेसी एंड स्टफ आ रहा है। सो वट आई डिड वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वट आई डिज़ाइन वॉज अ सिंपल डिज़ाइन, आई केप्ट इट वेरी सिंपल, बट देर वर थ्री लॉन्ग कर्टन्स ऑन स्टेज एंड देर वर सडन कटआउट्स विच आई केप्ट एट द बैक, जहाँ जिसको हमने मैंने क्या किया था, कुछ मोटराइज लगा रखा था, तो वो जब वो गाने आती थी तो उसके सपनों के हिसाब से उसकी जो इमेजेस होती थी जहाँ वो होती थी या सपना देखती थी, तो वो उन सपनों को हम इमेजेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। तो वो विंडमिल चलती हुई दिखाई देती थी, विंडमिल चलती हुई दिखाई देती थी कहीं पे, यू नो, पेड़ के बड़े बड़े इमेजेस एंड स्टफ लाइक दैट। दैट वाज अ टाइम व्हेन आई क्रिएटेड दीज इफेक्ट्स फॉर द ऑडियंस। देयर वाज वन मोर गुरु हु आई ऑलवेज लुक्ड अप वाज तापस सेन। तापस दा हमेशा ही यूज्ड टू क्रिएट हिज इफेक्ट्स, यू नो, लाइक दोज कटआउट्स, इमेजेस, ऑल दैट ही यूज्ड टू डू। और मैंने ये चीज़ जमीला में भी करी, जमीला बाई में भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ इमेजेस पीछे क्रिएट की थी और कुछ इफेक्ट्स क्रिएट किए थे बहुत ही अलग ढंग से। सो बेसिकली देर वॉज अ शो जो स्कूल का एक शो था आर्यवेद मंदिर का, इलाजी को शायद याद होगा, इलाजी भी परफॉर्म करने आई थी वहाँ पे दो गाने। वो आउटडोर शो था और उसमें वो चाहते थे कि ओपन जो हो वो ओपनिंग हो स्क्रीन पे ओम के साथ। अब उस ज़माने में तो हमारे पास वो इंटेलिजेंट लाइट्स तो होती नहीं थी और कोई तरीका नहीं था, तो मैंने क्या किया कि पीछे एक ट्रैक लगाया स्क्रीन के, ट्रैक लगा के उसके ऊपर एक लाइट रख दी। उस लाइट में मैंने क्या किया था, एक कटआउट था, एक ग्लास था और ग्लास के ऊपर हमने ओम लिखा हुआ था। अब वो जो ग्लास था वो बेवल्ड था, तो उसको जब हमने ड्रॉ किया तो उसके ना वो एजेस जो हैं वो उसके ओम के एजेस बने हुए थे जो बेवल्ड थे, और जब वो ऑन किया तो एक छोटा सा ओम
पीछे से लोगों को दिखाई दिया और वो ट्रैक चलने लगा और ट्रैक चलते चलते पूरे स्क्रीन पे एक बड़ा सा ओम आया, बहुत बड़ा ओम लोगों को दिखाई देने लगा और एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये कहाँ कैसे हुआ। एंड उसमें क्या था कि वो सितारों की तरह चमकता था बिकॉज वो बेवल था, तो उसके जो एजेस थे वो बिल्कुल ऐसे चमकने लगे और ऐसा लगा जैसे यू नो इट हैज़ कम अलाइव। सो दैट वॉज द फन एट दोज डेज टू डू लाइट्स विच आई एन्जॉयड बिकॉज आई डिड विद मैनी पीपल दैट आई रियलाइज दैट यू नो दैट द लाइट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द प्ले बट इट हैज ऑल्सो टू मूव विद द प्ले। इट जस्ट कॉन्ट बी अ डिजाइन वेर इट सेज कि यू सेट अप द लाइट एंड इट्स इज फिनिश्ड, नो इट इट गोज बियॉन्ड दैट। मुझे याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई थी, मैं ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे बुलाया कि टाटा NCPA में ये शो है और यू हैव टू डू द लाइट्स। एंड वो शो किसका था? वो था उस्ताद देबू का। उस्ताद देबू यू ऑल नो वन ऑफ द मोस्ट यू नो द फर्स्ट एंड एमिनेंट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जिनके बारे में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे चाइना वॉल पे किया, एफिल टावर के पास किया एंड कई जगहों पे। तो उनका शो था। अब जब मैं पहुंचा लाइट के लिए तो मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ हिज डांस इज़ ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज ऑन स्टेज एंड ही वाज रिहर्सिंग। देन आई थॉट कि मैं ये देख लेता हूँ रिहर्सल। मैं रिहर्सल देखने लगा एंड सडनली रियलाइज दैट दिस मैन इज़ ऑल ओवर द प्लेस, ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस। मतलब स्टेज के किस कोने से किस कोने पे कहाँ ऑडियंस में कहाँ चढ़ जाएंगे कुछ पता नहीं था। मैं सोचा रही कैसे करेंगे यार इसको, कहाँ पकड़ेंगे सारी चीज़ को। दूसरा तरीका ये था कि फुल लाइटअप कर दें, पूरा स्टेज लाइटअप कर दें, फिर वो जहाँ जाते रहें वो अपना करते रहेंगे। मैं सोचा नहीं यार ये मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। सो देन आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड कि नो कैन आई गिव यू स्पेशल लाइट्स समवेयर, कैन आई जस्ट हाईलाइट्स, दीज आर द थिंग्स आई फील आई कैन हाईलाइट। एंड देन ही सेड यार इट्स इंटरेस्टिंग। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट हाउ वन कैन यू नो डिस्पाइट द होल स्टेज बींग लेट अप एंड हाउ वन कैन when an artist is cutting spaces, how one can move those lights and make those images different in different areas, in different ways. So that was a start with Ustad Debu, where I did the dance shows and where I got into a very different kind of design and perceptions. Uske baad Ila ji ke kaafi sare shows ki, humne kai bade bade shows kiye jisme lights ke saath saath sound bhi, light aur set bhi karta raha. फिर उसके बाद में अवनी मेरी हमारी दोस्त हैं जो इलाजी जानती है जिनको, वो हमारे साथ पिछले 30-35 सालों से जुड़ी है, वो भी उसके भी फोक और मॉडर्न डांस को लेकर उसके शोज़ होने लगे। और उस वक्त उसकी स्टेज पे एक साथ में एक 30x20 के स्टेज पे करीब 40 लड़कियां, 40 बच्चे, इतनी धमाल, मतलब कलर और खूब सारा। And then I said, my God, ye itne sare log. And then, you know, the whole thing is that when you lit up these kind of stuff and then you need a lot of fun and a lot of you know, textures which are required because usme itna color apne aap mein hota hai. So every performance and every dance, I always wanted to design it differently. I never did things where, you know, you just keep it in that one space where ek tarah ki light kar di aur wo aate rahe jaate rahe, waise nahi. I have always wanted to design each song the way it should be done. That was again a very learning experience. Ek alag tarah ka maza aaya. Aur ek over the period of time, I really enjoyed myself sitting in that light room where the darkness and that light in front of me and that magic unraveling itself, wo jo jadoo logon ka, wo actor ka aana, wo perform karna, wo chale jana, fade out hona, fade in hona aur suddenly wo actor nazar aana, wo sara magic mujhe na bahut excite karta hai, aaj bhi karta hai. I always get very excited aur mujhe bahut wo lagta hai. This was the journey from that darkness to light. We always, as designers, we are always sitting in the darkness, you know, that light room which is totally dark with a small, light which is there on the operating table. Aur us zamane mein ye intelligent lights, ye
इंटेलिजेंट डिमर बोर्ड्स ये कुछ नहीं था, ये वो गोल वाले ऐसे है ना, ऐसे चक्री वाले डिमर बोर्ड्स होते थे और कुछ थिएटर में लीवर वाले होते थे। तो वो हमारा साधन हुआ करता था सिंपल। आजकल बहुत सारे वो आ गए हैं तो हर कोई ये कहता है कि अरे फला डिमर बोर्ड चाहिए, अरीना का डिमर बोर्ड चाहिए, टाइगर का डिमर बोर्ड चाहिए और फला का डिमर बोर्ड चाहिए। और मैं कभी भी सोचता हूँ कि यार इसके बगैर भी तो हम सब लोगों ने, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उन सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, और इंटेलिजेंट लाइट और इंटेलिजेंट बोर्ड आने से ऐसा कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एज अ डिज़ाइनर एंड ऑल्सो एज एन ऑपरेटर, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच काइंड ऑफ अ बोर्ड यू गेट और वॉट काइंड ऑफ अ बोर्ड यू गेट और वॉट काइंड ऑफ अ टेक्निक दैट यू हैव ऑन योर बोर्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने क्या समझा है, क्या आप डिज़ाइन करते हैं और उसको आप कैसे ऑपरेट करते हैं। सो दैट वॉज द लर्निंग कर्व इन माई लाइफ। मुझे लगता है बहुत लकी रहा, बिकॉज जब मैं थिएटर में आया तो मेरे सारे सीनियर्स जो NSD के सीनियर्स, मैं NSD का नहीं हूँ मगर बॉम्बे में जब भी वो आते तो इन लोगों के प्लेस देखना, इनको बार बार परफॉर्म करते देखना, इनकी सेट टेक्निक्स, इनकी लाइट टेक्निक्स, वो बार बार देखना, पृथ्वी पे देखना, तो बहुत कुछ इन लोगों के परफॉर्म करने में मैंने सीखा। ये कैसा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बारीकी से समझ में आने लगी और नादर जी के साथ भी करने लगा। उसके बाद जब बाकी के शोज होने लगे तो फिर मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, लाइट बनाना, इफ़ेक्ट्स बनाना, कटआउट्स बनाना, ये सब बहुत मुझे मज़ा आता था, मैं बहुत शोज़ में करता था। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आज, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक भी चुना कि वाई फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। क्या हुआ कि मैं ना SSC पास करने तक आई हैड बिकम वेरी टॉल, मैं 6'7" का हो चुका था। इसलिए कभी कभी इलाजी मुझे मजाक में कभी कभी कहती हैं कि अरे सलीम वो मेरे वो बत्ती चेंज कर दो, या सलीम को तो लाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं बिहाइंड द सीन रहता पर मुझे बहुत डर लगता था लोगों से, क्योंकि मैं अचानक जब लंबा हुआ ना तो लोग बड़े अजीब ढंग से बिहेव करने लगे, अजीब ढंग के कमेंट्स, अजीब ढंग के मजाक, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड मुझे लगा कि ये मैं कब तक चलता रहेगा, मैं उस वक्त थिएटर कर रहा था। फिर मैंने कटारे को कहा यार मेरे को एक्टिंग करनी है, तो वो भी सोचा यार ये इतना लंबा चढ़ंग आदमी इसको मैं कहाँ स्टेज पे उतारूँ, वो भी सोचिए पृथ्वी थिएटर का की स्टेज स्टेज जिसपे ऑडियंस आपके बिल्कुल करीब बैठी होती है उस पर एक इतना 6'7" वाला लंबा आदमी उनके सामने खड़ा हो जाए तो क्या हाल होता होगा। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, और मुझे उन्होंने छोटा रोल दिया। अब चक्कर ये था कि मैं लाइट्स भी कर रहा था, वो नागरिक वाले रोल होते हैं वो रोल कर रहा था मैं, अब वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने वो रोल करना शुरू किए पर साथ साथ मुझे लाइट भी करनी थी। अब वो सीन में जहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ तो वो कैसे मैनेज होंगे। तो पृथ्वी थिएटर में हमारा एक टेक्नीशियन था भगु, तो भगु को मैं कहता था भगु तू लाइट बोर्ड पर बैठ जा और तू मुझे देखते रहना उसमें, जहाँ मुझे एरिया में जहाँ कुछ लाइट चाहिए। तो मैंने वो कैरेक्टर सा किया था कि मैं अपना हाथ उठाता और हाथ नीचे करता, और जब भी मैं हाथ उठाता तो उसको मालूम था कि मेरी लाइट और ऊपर जानी है, या अगर मैंने उसको इशारा किया तो वो लाइट नीचे आनी है और कब फेड आउट होना है। ये मेरा और उसका कम्युनिकेशन था, और यही मेरा एक मैंने अपनी छोटी सी एक्टिंग का वो बना रखा था कि मैं एज ए नागरिक मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। इट वॉज हिलेरियस। ऐसे मैंने 2-3 प्लेस किए जिसमें मैं लाइट्स भी करता था और एक्टिंग भी करता था। मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि हम लोग NCPA एक्सपेरिमेंटल में एक प्ले कर रहे थे, पांचाराम हम कर रहे थे, उसमें कई सारे नागरिक हैं, नागरिक में एक नागरिक मैं भी बना हुआ था।
अब एक्सपेरिमेंटल थिएटर में जो सब लोग आप लोग जानते होंगे कि थिएटर में वो लाइट रूम जो है वो ऊपर है और बिल्कुल वो सीढ़ियों के पास ऊपर उसकी एक सीढ़ी है स्टीप सी। अब मैं रोल कर रहा हूँ और मैंने धोती पहन रखी थी, अब धोती पहन रखी मैं अपनी क्यू के लिए निकला, क्यू के लिए निकला और मैं जैसे वहाँ पहुँचा कि क्या हुआ कि मेरा पैर धोती में आया तो मैं वहीं अटक गया। अब मेरी लाइन आ गई, मेरी लाइन आ गई तो मैंने वहीं से अपनी लाइन बोल दी, वहीं से मैंने अपनी लाइन बोली और फिर सारे लोगों को लगा ये आवाज़ कहाँ से आई, और देखा मैं वो लाइट रूम की ना डोर से उतर रहा हूँ नीचे और अपनी लाइन भी बोल रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ और फिर मैंने एंट्री कर ली। तो मुझे इतना मज़ा आया था वो करके, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ ओपन मी अप एज अ ह्यूमन बींग, आई कुड गेट इट ऑफ ऑल माई कॉम्प्लेक्सेस एंड आई रियलाइज देन that this was my darkness which theater took me out from and brought to that light which I wanted to see, and that is a journey that I could cover in those 2 years when I did acting with Om Katare's couple of 4-5 plays. I did Nadaji's plays, unke bhi 2-3 plays maine kiye, aur usme ek aur interesting baat hui thi jo main share karna chahunga aap logon ke saath. जब मैं वो प्ले कर रहा था तो उसमें भी लाइट कर रहे थे और आनंद मिश्रा थे जो लाइट करते थे और मैं कहता था, उसमें एक छोटा सा रोल था ज़मींदार का। अब उस ज़मींदार को गाना था और मैं सबसे मतलब बेसुरा इंसान, पर नादर जी कहने नहीं तुम गा लोगे, बड़ा छोटा सा है तुम गा लोगे। तो मैंने कहा मैं कैसे गाऊँगा, मैं मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो बोले नहीं ऐसा कोई सुरूर का चक्कर नहीं है, पर तुम कर लोगे क्या, तुम करो। मैंने कहा ठीक है ये भी चैलेंज ले लेते हैं, तो मैंने वो ले लिया। अच्छा म्यूज़िक पिट में सुनील सिन्हा या कभी नादा जी बैठती थी तो उन्होंने मुझे रिहर्सल में ट्रेन किया था कि ये की जो है सा की जो की है वो जब दबेगी ना तब तुमको गाना गाना है। तो वो रिहर्सल कर ली थी सिर्फ उस की की, जैसे वो की बजती थी एंड देन आई यूज टू सिंग दैट सॉन्ग। वो गाना था मैं शायर तो नहीं, वो गाना मैं गाता था और वो कई सारे शोज़ हमने किए उसके, उसकी रिहर्सल्स में अपना टेम्पो में बैठे हुए करता रहता था, रिहर्सल में जब पहुंचा तब करता रहता था। एंड वो मैंने शो किया और वो करीब मेरे ख्याल से एक 8-10 शोज़ मैंने किए होंगे जिसमें मैंने गाना गाया, सो आई कैन क्लेम दैट आई हैव ऑल्सो संग इन थिएटर। वो एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया। सेकेंडली ऑपरेटिंग लाइट्स की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इसकी डिज़ाइन की तो बात हम करते ही हैं, क्योंकि डिज़ाइन जब करते हैं तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिहर्सल्स देखते हैं, कैसा सेट है, डायरेक्टर क्या चाहता है, किस तरह की ब्लॉकिंग है, किस तरह की मूवमेंट्स है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसमें ये कोशिश रहती थी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल्स देखूं, जो कि पता नहीं आजकल लोग रिहर्सल्स देखना नहीं चाहते। वो एक बार देख ली रिहर्सल और वो डायरेक्ट पहुंच गए और कर ली, हमारी समझ में नहीं आता। हमको तो जब तक रिहर्सल नहीं देखो 10 बार नहीं देखो तो समझ में नहीं आता। स्क्रिप्ट कम से कम 4-5 बार 6 बार 10 बार पढ़ ली, उसके बाद हम जाते थे कि भाई चलो ये डिज़ाइन होगा। But the most important part was the light operating. You have done your stuff, but how would you operate? How would you make sure that your scene ends correctly, your scene begins correctly? How would you let one transition happen to another? How would you take that one full lit up scene to a spot which is there that an actor has to come, the marking on which the actor comes? This was a very important aspect which I thought is बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लाइट डिज़ाइनर के लिए भी जानना कि क्यों है। और सेकेंडली मैं क्या करता था कि सारी लाइटें मैं कभी भी प्रीसेट उस तरह से नहीं होता था कि 4 लाइटें को ब्लैक बना लिया वो कर लिया, नहीं वो नहीं, मैं हमेशा लाइटें खुली रखता था अपनी, बिकॉज मुझे मूवमेंट बहुत पसंद है लाइट्स में, स्टैटिक नहीं रखता मैं। तो मैं वो कर रहा था और मुझे याद है मैंने जब पर्ल पद्मसी के साथ में JB पेटर स्कूल का एक शो किया, उस ज़माने में स्कूल के बहुत शोज़ करता था और इसीलिए इशिता का स्कूल था आर्यवेदा मंदिर, इशिता अरुण इलाजी की बेटी हैं, और उसके स्कूल के शोज़ करने के बाद में मुझे इशिता ने
इलाजी से मिलवाया कि मम्मी सलीम अंकल लाइट्स करते हैं। उस पर्ल पदम सिंह के साथ जब मैं शो कर रहा था, विद वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो दैट मैं लाइट कर रहा था। मैंने कहा कि मैं ऐसे जनरल रखूँ, मैंने पर्ल को कहा क्योंकि बच्चे हैं लाइट में उनको दिक्कत होगी। वो बोली नहीं 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 यू डिज़ाइन इट द वे इट इज़ टू बी डिज़ाइन बिकॉज एंड यू गिव दैम मार्क दे विल कम। मैंने कहा बट वुड दे अंडरस्टैंड द डार्कनेस? दे सेड यू डोंट वरी अबाउट दैट, दे विल डू इट, यू जस्ट गिव दैम द मार्क्स एंड ट्रस्ट मी। एक एक बच्चा उस अंधेरे की फेड आउट में जाता और आता तो मार्क पे होता। वो हर बच्चे ने कभी मार्क मिस नहीं किया। और मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा, सॉरी मैं एक बीच में डाल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा वो आया था। खैर जब हम कर रहे थे एक शो, उसमें क्या हुआ कि एक बच्ची स्टेज पे आती है और उसके हाथ में एक पर्टिकुलर प्रॉप्स होना था और पर्ल मेरे बगल में बैठी थी बगल में बैठी थी और वो पर्ल बैठी थी और अचानक जो है वो लड़की जब स्टेज पे आई तो उसके हाथ से वो चला प्रॉपर्टी रह गई उसकी। अब मैंने पर्ल की तरफ देखा, पर्ल ने कहा कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी भूल गई। बट ट्रस्ट मी विदाउट इवन वी रियलाइजिंग और द टीचर्स इन द विंग रियलाइजिंग देयर वाज दिस वन ऑफ द किड आई व्हाट आई टू डू इज दैट द लाइट्स यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट एंड ब्रिंग इट इनटू अ स्पॉट। व्हाइल आई वाज डूइंग दैट देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम द विंग, शी जस्ट पिक्ड अप द प्रॉप एंड शी केम एंड शी गेव इट टू दिस किड एंड शी लेफ्ट। इट वॉज सो सरियल, मतलब मज़ा आ गया देखकर उसको, मतलब बच्चों के साथ। और आज मुश्किल सॉरी यह है कि आजकल के एक्टर को मार्क देने के बाद भी वो लाइट पे नहीं आते, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये कब होगा, कैसे करेंगे लोग। अच्छा मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम है, सो आई डोंट नो हु ऑल आर हियर, या यहाँ पे कोई है भी या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इलाजी तो दिखाई दे रही हैं। इलाजी आदाब। तो वट एवर, अगर किसी के पास कोई सवाल हो या कुछ हो, और अगर नहीं है तो मैं, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन कंटिन्यू। जयदेव, इफ़ यू फील आई नीड टू कंटिन्यू जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक यू टोल्ड मी हाफ एन आवर। मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ था कि मैं भूल गया कि इट इज़ नियरली 45-40। सो कैन यू सेंड मी अ मैसेज जयदेव दैट आर यू देयर। हेलो हाय। सो एनीवे, अंजुला जी आदाब, आप शायद एक सवाल कुछ आपने पूछा था, वो तो चला गया मेरी बातों में, तो अगर आप फिर से पूछ ले तो मैं देखता हूँ वो है, अगर इफ यू कैन राइट इट अगेन। द अदर थिंग दैट हमको, एक तो थिएटर के टेक्नीशियंस जितने हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग सिखाई। अवनी हाय, आदाब इला जी। एक तो टेक्नीशियंस जितने भी थिएटर के टेक्नीशियंस हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत लाइटिंग सिखाई। उन बहू से लेकर शिवा से लेकर मधु से लेकर इन सब लोगों ने, हर थिएटर में, चाहे कैकलाटा हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कहीं भी हो, पर और उससे ज़्यादा हमें सिखाया थिएटर वालों ने खुद। थिएटर वालों ने यूँ सिखा दिया क्योंकि वो कभी किसी से पूछते नहीं कि थिएटर डिज़ाइन करते वक्त या स्टेज डिज़ाइन करते वक्त में कैसा होना चाहिए, टेक्निकल के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो बना देते हैं। और फिर हम पहुँचते हैं लाइट करने के लिए, अपना शो करने के लिए, और हमें पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ से नहीं हो सकती, यहाँ लाइट बार नहीं है, यहाँ पे डिमर नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ चार लाइटें मिलेंगी, आपको वो नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको उसको ही करना होगा। तो हम लोगों को, हम टेक्नीशियंस को ये समझ में नहीं आता, ये डिज़ाइन तो हमने किया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो थिएटर वालों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उन्होंने हमको प्रिपेयर कर दिया कि भाई हम आपको बिल्कुल ना सबसे गंदी से गंदी सिचुएशन देंगे और आप लोगों को उसमें काम करना है। आई थिंक दैट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हर थिएटर में कुछ नहीं होता, वो डिमर बोर्ड कभी सर्विस नहीं होते, कभी चीज़ें साफ़ नहीं होती, लाइटें कभी चल नहीं रही होती है, आपकी जो लाइटें वहाँ लगी है, जो उन्होंने लगा दी है, आपको उन्हीं को यूज़ करना है, आप उसको हिला नहीं सकते, आप उनको कुछ नहीं कर सकते उसका। हम एंड इन दैट यू शुड डू दैट। हाँ दिनेश आए, दिनेश फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना, अरे एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं है, ये 2-4 महीने की बात है, एंड वी विल बी बैक अगेन इन एक्शन।
थिएटर देखो यार, थिएटर ऑनलाइन नहीं हो सकता, थिएटर हैज़ टू बी डन ऑन स्टेज विद लाइव ऑडियंस। जैसे राकेश बेदी भी कह रहे थे कि हमें ऑडियंस नहीं मिलेगी जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से हर टेक्नीशियन इस बात का कायल है कि वो परफॉर्मेंस करे, वो थिएटर करें और थिएटर में ऑडियंस हो और वो लाइट, वो मैजिक, वो जगमग, वो सब रहे, वो तभी हो सकता है दिनेश। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 महीनों में किसी के स्पिरिट्स डाउन होंगे या हमारी ऑडियंस भाग जाएगी या हमारे लोग थिएटर नहीं आएंगे डर के मारे। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ज़रूर है कि हम वील ऑल हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू कम टू थिएटर एंड डू स्टफ अ लिटिल डिफरेंटली। दूसरा, मेरे ख्याल से मेरा टाइम अप हो रहा है, तो मैं साइन ऑफ करूँगा आप सब लोगों के साथ। इट वॉज रियली नाइस। आई थिंक आई जस्ट स्पोक, आई डोंट नो व्हाट डिड आई से, बट प्रॉब्ली शायद आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट सेशन जो है वो एक्टर डायरेक्टर विजय केंकरे जी का सेशन है 6 बजे का। प्लीज़ उस पर लॉग इन करिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक जयदेव कोकोनट एंड केयू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक टू यू गाइस। बहुत मज़ा आया बात करके, और ये एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से और अ डांस और अ म्यूजिक शो वाज मोर इंटरेस्टिंग। अरे अंजुला जी, सारे मतलब जो प्लेज हैं या डांस शोज हैं या इवेंट्स के शोज हैं, कॉर्पोरेट्स इवेंट्स के शोज हैं, इन सब में ना नया नया करने का मौका मिलता है। एंड वो सब अलग हैं। थिएटर की एक अपनी डिसिप्लिन है, और डांस की एक अपनी डिसिप्लिन है, कॉर्पोरेट्स की अपनी डिसिप्लिन है, और उसमें ना सब में अलग अलग ढंग से अप्रोच करनी पड़ती है चीज़ों को। कॉर्पोरेट्स के लिए बिल्कुल अलग ढंग से अप्रोच करना पड़ता है। तो डिज़ाइनिंग तो बहुत बदलती है, और वही बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हर बार जब हम डिज़ाइन बदलते हैं और हम नया शो करते हैं, और एक ही शो जब हम बार बार भी करते हैं, तब भी हम लोग नई नई चीज़ें करते हैं। जैसे मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी मैं एक शो करता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ मुझे नया चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ नया उसमें दिखना चाहिए। सो एनीवे, आई थिंक माय टाइम इज़ अप। मैं सबको बाय बाय कर दूँ। थैंक यू दिनेश, इला जी, अंजुला जी और विनय, कोकोनट एंड एवरीबडी एंड चाय वाई रंगमंच, थैंक यू वेरी मच। आई विल जस्ट साइन ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय।